नमस्कार दोस्तों, आरसीए न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आरसीए न्यूज चैनल के माध्यम से आपको आपसे संबंधित सारी जानकारियां समय समय पर प्राप्त होती रहती हैं। तो आइए आज की तीन बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं जो आपसे संबंधित है। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बहुत से परीक्षा परिणाम फंसे पड़े हैं, जैसे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती यूपीपीसीएस के परिणाम भी फंसे पड़े हैं। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कहना है कि मेंबर की कमी होने के कारण परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो पा रहे हैं। आखिरकार जब परीक्षा परिणाम की बातें आती हैं, तो चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, कोई न कोई कमी दर्शा देता है। आखिरकार उसकी पूर्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्यों नहीं कर रहा है? मेंबर की पूर्ति करना चाहिए, अभ्यर्थी परेशान है। अभ्यर्थियों की इसमें क्या गलती जो दिन रात मेहनत करके परीक्षा देते हैं, परीक्षा परिणाम का इंतजार करते हैं, उन्हें मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। जब धरना प्रदर्शन करने जाते हैं तो उन्हें आश्वासन दिया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम के लिए अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था, उन्हें 30 मई 2019 का आश्वासन मिला था। उधर यूपीपीसीएस जेल परीक्षा परिणाम भी फंसा पड़ा है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया है कि मई के अंत तक हम फाइनल परीक्षा परिणाम जारी कर देंगे। लेकिन क्या फाइनल परीक्षा परिणाम यूपीपीसीएस जेल का आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है, अभी तो इंटरव्यू ही नहीं हुए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, अभ्यर्थियों का समाधान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को निकालना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जब अभ्यर्थी मिलने जाते हैं, बस एक ही जवाब होता है, मेंबर की कमी है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसी प्रकार की कमियों को गिनाकर अभ्यर्थियों को वहां से लौटा दिया जाता है। ऐसा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नहीं करना चाहिए। अभ्यर्थी परेशान है, अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को करना चाहिए। अब आइए आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक भर्ती 2016 में ड्राइवर पद के लिए निकाली गई थी, जिसमें कुल पदों की संख्या 138 है। परीक्षा तो आयोग ने करा लिया, पर 4 वर्ष होने वाले हैं, अभी तक आयोग ने परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया। अभ्यर्थी काफी परेशान है, अभ्यर्थियों का कमेंट आता है। अभ्यर्थियों का कहना है, सर हम 4 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं, अगर आयोग में पूछने जाओ तो आयोग वाले कहते हैं विजिलेंस जांच चल रही है। आखिरकार कितने दिन विजिलेंस जांच चलेगी? आखिरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 138 पदों का परीक्षा परिणाम जारी करने में कितना समय लगेगा? मैं उन अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। आपके लिए जो भी जानकारी मिलेगी, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर दिखाऊंगा और आपके हक को दिला के रहूंगा। आज दिलाऊं या कल दिलाऊं, थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। अब आइए आज की तीसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर एपीएस भर्ती 2013 को लेकर है। एपीएस भर्ती 2013 कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा तीसरी बार स्थगित कर दी गई है। इसकी जानकारी परीक्षा नियंत्रक मंजू कटियार ने दी है। इस भर्ती को 6 वर्ष हो गए हैं, पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अभी तक इस भर्ती को पूरा नहीं किया जा सका है। छमाही कैलेंडर में 26 मई को कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा निर्धारित की गई थी, जो कि अब स्थगित हो चुकी है। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आरसीए न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।